लुधियाना वासियों को टूटी सड़कों की खस्ता हालत से निजात दिलाने के मकसद से आतमनगर के जैमल रोड से विकास कार्यों की शुरुआत की गई। हल्का आतमनगर से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कुलवंत सिंह सिद्धू और वार्ड इंचार्ज रेशम सगू द्वारा सड़कों के निर्माण का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही उन्होंने आने वाले 6 महीने के अंदर इलाके की तस्वीर बदलने की बात कही है और कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सभी सड़कों के निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। सब तो पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 25 करोड़ रुपए की ग्रांट हरेक जिहड़ा हलका बाई जारी की है। पार्टी बाई तो उपर उठ के जिथे चाहे अकाली विधायक है कांग्रेसी है इतने साडे नलायक विधायक ने सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़े कि गल्लां च विश्वास करते कम कार कोई नहीं करते। इलाके की हालत जिहड़ी है बदतर तो बदतर सी, नरक विच लोग जिंदगी बसूत कर रहे थे। उस लड़ी तहत अज मेयर साहब के राही इतने जिहड़ा जैमल रोड का जिहड़ा अज कारोबार जिहड़ा काम शुरू करने की शुरुआत की गई है। वड्डी गिणती दे विच कांग्रेसी साडे लीडर साहिबान साडे वार्ड प्रधान इत्थों दे जिन्होंने चोण लड़ी है मैडम सगू जी ते उन्हां दे हसबेंड सगू साहब अज सारे वड्डी गिणती दे इत्थे पहुँच के लोगों ने जिहड़ा अपना खुशी जाहिर की है। कैप्टन ये 6 महीनों के बिच बिच जिहड़ा सारा पंजाब की जिहड़ी है नुहार ये बदल दी जाऊगी। ये साडा विश्वास है जी कैप्टन साहब से लोगों को भरोसा तो अथाह प्यार है। पार्टी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो लहदा लहदा सारे वार्डों को वक् वक्रे तौर पर दिते ने ते असी पर हल्का के जिहड़े विधायक भी रहे और मेयर भी रहे और जिन्हों का काम जीरो रहा और चाहे उन्होंने कौंसलर भी ने पर काम की रिपोर्ट ले देखिए तो वह कहते इतने ना किसी पार्क का एस्टीमेटर बनाए ने ना किसी सड़क के उन्होंने बनाए ने। और इसी के साथ साथ इलाके में लोगों की मुश्किलों को हल करने के मकसद से कांग्रेस पार्टी के एक नए दफ्तर का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान दफ्तर के इंचार्ज भगवान सिंह ने कहा कि भगवान सिंह सिद्धू हल्का इंचार्ज वालों दफ्तर का उद्घाटन किया गया। हर तरह की मुश्किल का हल होएगा, इसे जो भी किसी की समस्या हो उसका हल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी वालों पूरा जोर ला के काम किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ मजबूत किए जाएंगे।